आप शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू शेखर सर। एंड जैसा कि मेरा नाम डॉक्टर चारू अग्रवाल है, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर चारू अग्रवाल है, मैं सहारनपुर यूपी से बिलोंग करती हूँ। एंड फर्स्टली तो देखिए, हम जिस चीज का हम डेमोन्स्ट्रेशन करना चाह रहे हैं वो है इस कंपनी का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट। एंड मैं इसको बेस्ट इसलिए बोलती हूँ क्योंकि देखिए, जितनी भी गायनिक प्रॉब्लम्स हैं, मैं कहती हूँ हर फीमेल को गायनिक प्रॉब्लम है बट वो बोलती नहीं है, तो इसी के रिगार्डिंग हम उनको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे हैं। आप सभी ये डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं, देखिए अब हम दिखाएंगे तो कुछ स्लाइड्स हैं जो हम आपके सामने देख रहे हैं तो दिखा रहे हैं। तो वी आर वर्किंग सर्विक्स कैंसर प्रिवेंशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम। अब ये सर्विक्स कैंसर होता क्या है, मैं इसको थोड़ा सा ही बताऊंगी सर्विक्स कैंसर होता क्या है। देखिए दोस्तों, सर्विक्स कैंसर कोई बीमारी नहीं है बट हमें पता होना बहुत जरूरी है। ये एक, मैं इसको एक पॉइजन बोलती हूँ जो हमारे वेजिना के थ्रू जाता है। ये एक इन्फेक्शन होता है जो कि हमें नहीं पता ये कैसे अटैक कर रहा है। वही चीज हमें डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू आपको समझाएंगे कि ये पॉइजन है क्या, कितना गंदा पॉइजन है जिससे हमें यूट्रस कैंसर तक हो रहा है, सर्वेक्स कैंसर हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन टू वुमेन हेल्थ प्रॉब्लम। अब ये जितनी भी हम फीमेल्स को प्रॉब्लम होती है, गर्ल्स को प्रॉब्लम होती है, वो है क्या, तो मैं आपको बारी बारी से एक एक प्रॉब्लम रीड करके बताऊंगी। आप उसको डिटेल में समझिए कि ये सारी प्रॉब्लम्स होती कैसे हैं और वो है क्या ये सारी प्रॉब्लम्स। तो नेक्स्ट स्लाइड सर, अ लॉट ऑफ ब्लीडिंग ड्यूरिंग पीरियड। क्या, तो बहुत ज्यादा पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग होना, अ लॉन्ग पीरियड ब्लीडिंग, बहुत लंबे समय तक ब्लीडिंग होते रहना, 2 or 3 times पीरियड इन अ मंथ, एक मंथ में 2 से 3 times रिपीटेशन हो जाना, दाग धब्बे आ जाना, इरेगुलर पीरियड्स। ये देखे बहुत सारे पेशेंट्स, बच्चियां स्पेशली जो स्टार्टिंग इसकी गर्ल्स हैं, वो मेरे पास बहुत सारी ऐसी चल रही हैं जिनको ये वाली प्रॉब्लम्स होती रहती है कि 2-3 months हो जाते हैं और 2-3 months स्टॉप हो जाता है। तो ये इरेगुलरिटी आ जाती है हमारी बॉडी में। तो ये कहीं ना कहीं मैं ये मानती हूँ, जो हम जितना भी सैनिटरी नैपकिन मार्केट से लेकर यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक यूज हो रही है इवन, तो प्लास्टिक से इरेगुलरिटी बढ़ती जा रही है। कॉन्टिन्यूस ऑफ ब्लीडिंग आफ्टर पीरियड, पीरियड के दौरान लगातार दाग धब्बा आते रहना, पीरियड्स पेन, मस्कुलर पेन, आम प्रॉब्लम है ये हम सबकी। देखिए उन दिनों में हमें ऐसा लगता है हम कुछ काम नहीं कर पाते, हम उठ ही नहीं पाते, हमारा शरीर थका थका रहता है। इवन जब हम स्कूल कॉलेजेस में सर्वे करते हैं इस चीज का, तो हमें गर्ल्स का जो डाटा सामने आया, 65% गर्ल्स अटेंडेंस रहती हैं। तो क्यों रहती हैं, क्योंकि उनके, हमें ये पता चलता है कि गर्ल्स उठ ही नहीं पाती, 3 दिन तक स्कूल नहीं जा पाती ड्यू टू दिस रीजन कि मैम हमसे उठा ही नहीं जाता, हम पेन में रहते हैं। तो ये सारा पेन आपको सिर्फ एक चीज से रिलीफ, हम अभी एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे उसी से ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी एक ही डेमोन्स्ट्रेशन से। एंड हमारी बॉडी से 3 तरह के डिस्चार्ज होते हैं, येलो, व्हाइट एंड ब्राउन। तो आप देखिए जिसकी बॉडी से भी ये डिस्चार्ज प्रॉब्लम होती है उसकी बॉडी में बैक पेन रहता ही रहता है। एंड मैं मानती हूँ 99% लोगों को, लेडीज को, फीमेल्स को ये येलो डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, बट हम लोग बोलते नहीं है, हमें पता ही नहीं है ये कोई बीमारी भी है, बट ये बहुत गंदी बीमारी है। इसको जितनी जल्दी इसको ठीक कर लिया जाए, और विदाउट मेडिसिन हमारा ये ही नैपकिन इसको क्योर करता है। बैक पेन होना ड्यूरिंग पीरियड एंड ईची वेजिना, वेजिना में ईचिंग होना, बैक्टीरिया इन्फेक्शन टू द वेजिना, वेजिना में बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाना, रैशेज हो जाना। आप देखिए आमतौर पे हम सभी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कि हम कोई सा भी मार्केट का सैनिटरी नैपकिन यूज कर रहे हैं उसमें रैशेज की प्रॉब्लम हमें रहती है। तो रैशेज हो जाना एंड जेंटल वर्ड्स सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, जेंटल वर्ड्स, मस्से हो जाना, अगर आपके वेजिना में मस्से हो जाए तो तुरंत गायनोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए। अल्सर टू द वेजिना, वेजिना में अल्सर हो जाना, स्मेल एंड स्टिकी डिस्चार्ज। आप देखिए हमें उन दिनों में कितनी स्मेल फील होती है, इवन हम उसको कहीं थ्रो भी कर रहे हैं तो वहां भी हमें गुजरते हुए वहां से स्मेल फील होती है। इवन मैं अपने आप को ये मानती हूँ कि जैसे डॉगीज होते हैं ना, कि डॉगीज इधर उधर फाड़ फूड़ के फेंक देते हैं, आप सोचिए कभी भी हमारा कोई भी नैपकिन 15 साल भी आप पड़ा छोड़ दें वो कभी डिजोल्व नहीं होता, एनवायरमेंट में भी बैक्टीरिया फैला रहा है, तो इतना गंदा नैपकिन है। एंड एंडोमेट्रिसिस, इस पे मैं लगातार कॉन्टिन्यूसली जोर देती हूँ कि एंडोमेट्रिसिस होती क्या है, जो हमारी बच्चेदानी होती है फ्रेंड्स, तो बच्चेदानी में एक यू के आकार की पतली सी लेयर होती है। अब इस लेयर का काम क्या होता है, अब देखिए हमारी आजकल की गर्ल्स क्या है, 10 से 12 साल की एज में मेंस्ट्रुएशन से स्टार्ट हो जाती है। हम ये मानते हैं आजकल 25, 26, 27 साल की एज में हम उनकी मैरिज भी करेंगे, तो आफ्टर मैरिज आप ये डाटा जरूर ध्यान में रख के देखिए। आजकल लड़कियां कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो वो कंसीव ना करने का रीजन यही जा रहा है, जब उनका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तो अल्ट्रासाउंड में यही लेयर एंडोमेट्रिसिस की यू के आकार की जो लेयर है ये डैमेज आ रही है। तो सबसे बड़ा मेजर रीजन आपके सामने है एंडोमेट्रिसिस की लेयर डैमेज होना, जो आज आप लोग नहीं समझे तो आप समझिए आपके बच्चे कहां तक फेस कर पाएंगे इस चीज
तो इस लेयर को अगर बचाना है, अपने बच्चे को अगर सेफ करना है, तो जो हम लोग आज आपको दिखाएंगे इसको प्लीज आप लोग सीरियसली जरूर लें। एंड फाइब्रॉइड फाइब्रॉइड बनी रही है, अल्सर, यूट्रस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये सब हो रहा है, ब्रोस्टर स्टमक, स्टमक में पेन रहता है उन दिनों में बहुत ज्यादा, मस्कुलर जॉइंट्स पेन। तो इतना ज्यादा हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम आपकी एक ही झटके में सॉल्व आउट हो सकती है। एंड इससे होता क्या है, हमारे माइंड में देखिए डिस्टर्बिंग इमेज आ जाती है, हम लोग डिस्टर्ब रहते हैं सारे दिन, हम लोग ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो डिस्टर्ब है, हम लोग स्कूल जा रहे हैं तो डिस्टर्ब है, हम लोग वर्किंग वुमेन है तो डिस्टर्ब है, हर जगह हम डिस्टर्ब रहते हैं कि हम अगर मेंस्ट्रुएशन से होने वाले या हो रहे हैं, हर तरह से हम डिस्टर्ब रहते हैं। अब WHO का एक डाटा है जो आपके सामने आ चुका है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 1 out of 3 वुमेन आर गेटिंग अफेक्टेड बाय सर्वेक्स कैंसर, कि सर्वेक्स कैंसर से हर 3 वुमेन में से 1 वुमेन को सर्वेक्स कैंसर हो रहा है, एंड इन एवरी 7 मिनट अ वुमेन इज डाइंग ड्यू टू सर्वेक्स कैंसर, हर 7 मिनट में एक वुमेन सर्वेक्स कैंसर से मर रही है। WHO का डाटा सामने आ चुका है इंडिया में, एंड दिस इज द मेन कॉज जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, जितना भी मार्केट में सैनिटरी नैपकिन भरा पड़ा है, दिस इज द मेन कॉज जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। एंड थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, इसको समझते हैं। यस सर, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट। तो इसको हम डिटेल में जाते हैं, ये बनता कैसे है। जितना भी कूड़ा कचरा होता है, गार्बेज होता है, इसको 5 to 6 टाइम रिसाइकल किया जाता है। अब रिसाइकल करके इसको जिस केमिकल से वॉश किया जाता है वो होता है टायोक्सिन एंड डायोक्सिन। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो अब ये जो डायोक्सिन की लेयर होती है, इसको मैं जरूर आपको बताऊंगी डायोक्सिन होता क्या है, इसको आप प्लीज यूट्यूब पे जरूर सर्च करें अपने आप मेरे कहने से ना माने इस चीज को, एक बार यूट्यूब पे अपने आप भी देखें डायोक्सिन होता क्या है। डायोक्सिन होता क्या है, देखिए जो हम ब्लीच यूज करते हैं अपने फेस पे, हम अगर उसको 15 मिनट अपने फेस पे लगा लें तो क्या होगा, हमें ईचिंग स्टार्ट हो जाएगी, रैशेज हो जाते हैं। तो ये सबसे मेन कॉज है डायोक्सिन, या हमारे हर नैपकिन पैड में व्हाइटनेस की लेयर लाने के लिए, व्हाइटनेस के लिए डाला जाता है। तो जिसकी वजह से हमें रैशेज की प्रॉब्लम आती है, हमें इतना हार्म रहता है, हमारी बॉडी इतनी ईचिंग रहती है, हमारी ईचिंग। अब देखो हर गायनोलॉजिस्ट क्या कहती है, हर 2-2 घंटे में आप अपने नैपकिन पैड को चेंज करें। बट मैं आप सभी से पूछती हूँ, जितनी भी इसमें फीमेल्स हैं हमारे साथ, कितनी फीमेल्स ऐसी हैं जो अपने बच्चों को या अपने आप ये सब कर पा रही हैं? अगर मैं कहती हूँ 2 घंटे में चेंज करें, तो एक दिन में 24 घंटे में आप 12 नैपकिन यूज करते हैं? नो, मैं कहती हूँ हर एक का आंसर होगा नो। तो आप लोग कहीं ना कहीं कैंसर की साइड जा रहे हैं। अब देखते हैं कितना हार्मफुल है डायोक्सिन, कितने गुना ज्यादा डेंजरस है। तो 130 टाइम्स मोर टॉक्सिक देन साइनाइड एंड 900 टाइम्स मोर टॉक्सिक देन आर्सेनिक। अब कितने गुना, देखिए साइनाइड और आर्सेनिक आपके स्क्रीन पे है, आप सभी जानते हैं पॉइजन है, कितना गंदा पॉइजन है, आप अगर हल्का सा टच करें यू विल डाई। तो आप सोचिए 130 गुना ज्यादा डेंजरस है साइनाइड से, 900 गुना ज्यादा डेंजरस है आर्सेनिक से। तो इससे मैं ये नहीं कहती आप एक नैपकिन पैड को यूज करें और आप मर जाएंगे, नो, आपको ये साइलेंट किलर की तरह मारते हैं, धीरे धीरे हमारे वेजिना पे अटैक करता है, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम होती है, सर्वेक्स कैंसर बनता है, सिस्ट बन जाती है। आप देखिए आजकल 18-19 साल की लड़कियों की यूट्रस रिमूव हो रहे हैं, हम इतना बड़ा सर्वे करते हैं, 18-19 साल की लड़कियां जिनके यूट्रस रिमूव हो चुके हैं उनकी पूरी लाइफ स्पॉयल हो चुकी है। एंड सबसे मेजर प्रॉब्लम्स क्या है, देखिए पहला पॉइंट है हार्मोन्स इम्बैलेंस होना। आप देखिए छोटी छोटी लड़कियों के फेस पे पिंपल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, हेडेक रहता है, बैक पेन, स्टमक पेन, वॉमिट फील होना, चक्कर आना, हार्मोन इम्बैलेंस। आप किसी भी गायनो पे जाएं या पार्लर में जाएं, आपको सबसे बड़ा वो क्या कहेंगे, आपके बच्चे के हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। बट मैं कहती हूँ अगर आप किसी भी गायनो के पास जाते हैं उनसे एक क्वेश्चन जरूर करें, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं तो इसके लिए हम क्या करें। मैं कहती हूँ अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैं कहती हूँ अगर आप 99% तक अपने हार्मोन्स को सेव कर सकते हैं अगर आप एक नैपकिन को चेंज कर दें, अपने नैपकिन को चेंज कर दें। एंड देखिए आपके स्क्रीन पे इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, डायबिटिक पेशेंट हर घर में भरे पड़े हैं, तो डायबिटिक पेशेंट भर रहे हैं, फाइब्रॉइड तो बनी रही है, एंड कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है जो कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया, मिसकैरेजेस हो रहे हैं, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही है, स्किन डिसऑर्डर हो रही है, लंग प्रॉब्लम आ रही है, एंड कैंसर तो हो ही रहा है। तो दोस्तों बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं। एंड एक लेडी कितने नैपकिन यूज करती है अपने पूरे 35 ईयर्स के, अगर हम उसके ईयर में सर्कल में देखें तो कितने नैपकिन वो यूज कर लेती है, 35,000। तो आप समझ सकते हैं 15,000 तो आप समझ सकते हैं कि एक लेडी कितने नैपकिन यूज करती है, तो उससे कितना बड़ा हार्म हो रहा है। आपके स्क्रीन पे है सब कुछ, तो इसको एक मैं छोटे से डेमोंस्ट्रेशन के थ्रू आपको बताऊंगी। तो दोस्तों मैं आपको मार्केट का नंबर 1 ब्रांड विस्पर,
मेरे हाथ में है विस्पर, इस पे मैं आपको फटाफट से 5 मिनट का डेमोस्ट्रेशन देके मैं आपको ये क्लियर कर दूंगी। जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको अभी बताई हैं स्क्रीन पे, वो सारी हम कैसे ओनली एक नैपकिन के थ्रू कैसे सेव कर सकते हैं। तो देखिए ये विस्पर है, इसको मैंने ओपन किया है पैकेट को और इसमें से मैंने 1 पैकेट निकाल लिया है। इसको मैं रीलॉक नहीं कर सकती, सारा बैक्टीरिया इसमें जा रहा है। एंड इसको अगर मैं कहते हैं हम अपने पर्स में स्कूल बैग में भी दें बच्चों को, तो सारा बैक्टीरिया इसके अंदर जाता है। एंड फ्रेंड्स इसमें भी मेरी देखिए 3-3 फिंगर जा रही है, टोटल 3 फिंगर जा रही है, जितना भी बैक्टीरिया है सब इसके अंदर टच होता है। तो ये हमारे लिए किसी भी तरह से सेफ नहीं है। एंड इसका एक मैं पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके सामने जरूर शेयर करूंगी। एक बार मैं आउट ऑफ इंडिया जा रही थी तो मेरे पर्स में ये पड़ा हुआ था, उस टाइम मैं यही यूज करती थी, मुझे नहीं नॉलेज थी टियांस की, टियांस के एरीज की। तो आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे ट्रिप पे जाना था तो मैं बाहर जा रही थी, एयरपोर्ट पे ये थ्रो करा दिया गया था। जब मेरा पर्स चेकिंग में गया तो पर्स में ये पड़ा हुआ था, ये एयरपोर्ट पे निकलवा दिया गया बिकॉज दे आर फुल्ली मेड ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक इंडिया से बाहर अलाउ नहीं है, आप एक वाटर बॉटल भी नहीं ले जा सकते, तो इसलिए इसको थ्रो करा दिया गया। हम बहुत परेशान थे, हमको क्या मिलेगा वहां, क्या नहीं मिलेगा। जब हम इंडिया से बाहर में हांगकांग गई थी, हांगकांग में जब जाके मैंने परचेस किया, मैंने यही परचेस किया। तो दोस्तों यही कहानी मैं अपनी आपके सामने नहीं होगा, ये सिर्फ इंडिया में ही है जिसके बारे में हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए इसको मैं फाड़ रही हूँ एंड एक ट्रे पर मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ। लाइव डेमो आपके सामने चल रहा है फ्रेंड्स, इसमें आप जितने भी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आप अपने गेस्ट को दिखा सकें, सबका भला होगा, आपका तो भला है ही, उनका भी भला होगा। देखिये टियांस का ये एरीज, AIRIZ एरीज, ये वर्ल्ड का नंबर 1 नैपकिन है, 190 देशों में आपको यही मिलेगा। दोस्तों मैंने भी यही लिया था जब मैं हांगकांग गई थी, मुझे यही मिला था, बट वो बहुत कॉस्टली था वहां पे, और इंडिया में आपको ये बहुत सस्ता अवेलेबल हो रहा है। एंड इसमें से मैंने 1 नैपकिन निकाला, देखिए फॉइल पैकिंग आपको नजर आ रही होगी, इसको मैं दोबारा रीलॉक कर सकती हूँ। इसमें से बहुत सारे नैपकिन निकाल चुकी हूँ मैं, तो उसके बाद भी ये एंड तक लास्ट तक मैं रीलॉक कर सकती हूँ। इसमें एक वैजीना टेस्ट स्ट्रिप फ्री आती है, इसके बारे में हम अभी आपको लास्ट में बताएंगे। और इसको मैंने रीलॉक कर दिया, कहीं से कहीं तक एयर नहीं जा सकती। अब फ्रेंड्स देखिए, इसको आप अपने पर्स में रखिए या अपने स्कूल बैग में रखिए, ये पूरा लॉक है। जब तक मैं इसको फाड़ूंगी नहीं, कहीं से मेरी फिंगर नहीं जा सकती, पूरा लॉक है, इसको मुझे फाड़ना ही पड़ेगा। इसमें कोई बैक्टीरिया टच भी नहीं हो सकता। इसमें 8 लेयर्स होती है, प्योर टिश्यू है। एंड विस्पर में 4 लेयर्स होती है, टोटली प्लास्टिक है। अभी हम आपके सामने वही चीज दिखाएंगे जिससे आपको पता चलेगा, क्योंकि देखिए इस तरह से सिर्फ ओनली डॉगीज ही फाड़ते हैं और कोई नहीं फाड़ता। तो यही चीज हम आपके सामने करके दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि आज तक हमने डॉगीज को ही देखा है फाड़ते हुए इस तरह से। तो जो चीज आप अपनी आंखों से देखेंगे, देखिए फ्रेंड्स ये विस्पर है, लॉन्ग देखिए, विस्पर भी इतना ही लॉन्ग है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जितना लॉन्ग हो उतना अच्छा होता है, ये केवल हमारा माइंड सेट है, क्योंकि जितना लॉन्ग है उतना अच्छा नहीं होता। हमारा मेन मोटिव है एब्जॉर्वेशन पावर कितनी अच्छी है। अगर हमारा एब्जॉर्वेशन पावर अच्छी है तो आपका छोटे से छोटा साइज भी बहुत बेटर है। तो फ्रेंड्स डॉक्टर और साइंटिस्ट प्रूव कर चुके हैं कि एक दिन में 25 ml तक मेंसुलेशन होता है। हमें फीलिंग आती है कि बहुत ज्यादा होता है, बट होता नहीं है। देखिए मैंने आपके सामने स्क्रीन पे है, एक में लगभग 100 ml वाटर लिया है और एक में 25 ml वाटर, बहुत कम वाटर, आप लोगों को शो हो रहा होगा आई थिंक। तो देखिए मैं जो 25 ml वाटर है ये विस्पर पे डाल के दिखाती हूँ, और जो 100 ml वाटर है लगभग, देखिए मैं वाटर पे दिखा रही हूँ तो ये ब्लड भी एब्जॉर्ब करेगा, वाटर और ब्लड की डेंसिटी सेम होती है। तो मैं जो 100 ml वाटर है, ज्यादा वाला वाटर, ये एरीज पे डाल के दिखा रही हूँ, एरीज के ऊपर डाल रहे हैं हम इसको। एंड जो 25 ml वाटर है, देखिए इस पे मैंने कितना सारा वाटर डाला है, और जो 25 ml वाटर है ये मैं विस्पर पे डाल के दिखा रही हूँ। अब इसको हमने पूरे को डाल दिया है, अब मैं आपको दोनों में कंपैरिजन दिखाती हूँ। ये मेरे पास टिश्यू पेपर है, मैं टिश्यू पेपर से आपको टच करके दिखाऊंगी, इसको भी मैं दिखा रही हूँ, ये मैंने विस्पर पे, मेरा इवन हाथ भी गीला हो गया है पूरा। देखिए फ्रेंड्स आपको नजर आ रहा होगा सारा गीला, टोटल कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं किया। अब मैं सेकेंड टिश्यू पेपर देखिए, ये भी बिल्कुल सूखा है अभी, इसको भी मैं दिखाती हूँ एरीज के ऊपर रखे, ये मेरा हैंड भी गीला हो गया, मैं दूसरे हैंड से दिखा रही हूँ। मैंने इसको भी बहुत ज्यादा टाइटली प्रेस किया है हर तरफ से। अब इसको हम आपको दिखाते हैं, कहीं से कहीं तक कोई गीलापन नहीं है। आपको शो हो रहा होगा आई थिंक, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि पता नहीं आपको समझ में आ रहा है या नहीं। तो नहीं, बिल्कुल आ रहा है मैम, बिल्कुल।
ओके ओके सर, तो आप देखिए हमें विस्पर के आपको चारों लेयर दिखाते हो। विस्पर में है क्या, टोटल एक एक लेयर हम देखते हैं क्योंकि उसी से आपको नॉलेज होगी कि हमारी लेयर कैसी होती है। और मार्केट की एक एक लेयर आप कोई सा भी नैपकिन उठा के देख लीजिए मार्केट का, चाहे स्टेफ्री देखिए, प्रोई, सोफी या वर्ल्ड का कोई सा भी नैपकिन जो इंडिया में है, वर्ल्ड में तो मिलेगा ही नहीं, सॉरी, इंडिया का कोई सा भी नैपकिन जो भी आप यूज करते हैं, प्लीज आप अपने घर में जरूर इसका एक छोटा सा इसी तरह से एक डेमो करके देखे अपने घर में। देखिए फर्स्ट लेयर मैंने उतारी है, इसको अगर हम फाड़ के देखें, खींच के देखें, मैं कितना जोर लगा रही हूँ, टोटल प्लास्टिक। इसको अगर आप रब भी करके देखें, टोटली हार्श है। तो ये हमारे जो रैशेज होते हैं इसी लेयर की वजह से होते हैं। सेकेंड लेयर पे आते हैं, ये जो विस्पर ब्लूइंग, अगर आप इसको अपने नेट पे डालेंगे, यूट्यूब पे डालेंगे विस्पर ब्लूइंग, तो आपको एक गंदा पॉइजन का नाम निकल के आएगा, उस पर सारा आप पढ़ सकते हैं पॉइजन है। एंड ये पॉइजन क्या है, डायोक्सिन की लेयर, जो कि अभी हमने आपको स्लाइड के थ्रू भी समझाई थी कि डायोक्सिन होती क्या है, ब्लीच की लेयर, जो कि ब्लीच होता है। तो इससे हमें क्या हो रहा है, ये हमारे यूट्रस में सिस्ट बना रही है, कैंसर बना रही है। थर्ड लेयर पे आते हैं, ये चिपचिपा गंदा सा जेल, रिसाइकल किया हुआ जेल, जो कि हमने आपको अभी स्लाइड के थ्रू भी बताया 5 to 6 times गार्बेज को रिसाइकल करके बनाया जाता है। ये चिपचिपा सा गंदा सा जेल है, ये गार्बेज से कूड़े कचरे से बना हुआ जेल है। इसको अभी हम आपके सामने देखिए एक गिलास के अंदर डाल रहे हैं और इसमें थोड़ा सा वाटर डाल के छोड़ रहे हैं। अभी हमारा ये 2 to 3 minutes का और है डेमोस्ट्रेशन, 2-3 minutes हम इस पानी को डाल के छोड़ रहे हैं आपके सामने, अब देखते हैं इसमें होता क्या है। अब लास्ट प्लेयर पे आते हैं, इसकी आप प्लीज आवाज सुने, इसको हम माइक पे भी सुनवाते हैं, देखिए आ रही है ना आवाज, ये टोटली प्लास्टिक, टोटली प्लास्टिक। अब देखिए फ्रेंड्स, उन दिनों में जो हमारी हीट निकलनी बहुत कंपलसरी है वो नहीं निकल पाती, तो उससे क्या होता है, मेरे पास ऐसी ऐसी गर्ल्स आती हैं, इस तरह की छोटी छोटी गर्ल्स आती हैं निकल निकल के कि मैम हमें उन दिनों में हेडेक रहता है, बैक पेन रहता है, या हमें चक्कर आते हैं स्कूल में, हम लोग गिर जाते हैं, हम लोग खाना नहीं खाते, वॉमिट फील होती है। सिर्फ यही रीजन है, जो प्लास्टिक है वो हमारी हीट को उन दिनों में बाहर नहीं निकालती। अच्छा, प्लास्टिक है हीट को बाहर नहीं निकालेगी उन दिनों की, तो वो हमारे फेस पे पिंपल्स भी लाएगी, सब कुछ करेगी, क्योंकि हीट हमारी बाहर निकलनी बहुत कंपलसरी है। अब आते हैं एरीज की तरफ, एरीज को भी दिखाते हैं एरीज में क्या है। देखिए बिल्कुल एक तो लाइट है, बिल्कुल भी हैवी नहीं है इस टाइम भी, है इतना हम इसमें 100 ml वाटर डाल चुके हैं। एंड इसके बाद दिस इज द फर्स्ट लेयर, टोटली टिश्यू एंड प्योर ड्राई, आप इसको अगर निचोड़ के देखें कहीं से कहीं तक पानी नहीं है, एंड बिल्कुल प्योर टिश्यू है, कहीं से इसमें प्लास्टिक कुछ नहीं है, प्योर टिश्यू टोटली। एंड सेकंड लेयर, एक्टिव ऑक्सीजन नेगेटिव आयन स्ट्रिप। अब ये क्या है, इसको मैं आपको बताती हूँ, ये एनर्जेटिक स्ट्रिप है, हर पैकेट पे मेंशन है हमारे पास, हर पैकेट पे मैं आपको दिखाती हूँ, एक्टिव ऑक्सीजन नेगेटिव आयन स्ट्रिप एंड रिलैक्स, हर पैकेट पे मेंशन है रिलैक्स। ये हमें उन दिनों में इतना रिलैक्स कराती है कि जैसे हम लोग उन दिनों में चल फिर नहीं पाते, उठ नहीं पाते, भाग भाग के काम नहीं कर पाते, गर्ल्स स्कूल नहीं जा पाती, मैं अपना भी एक्सपीरियंस बताती हूँ, इसको यूज करने के बाद मुझे यही नहीं पता चलता हम लोग मेंस्ट्रुएशन से भी हो रहे हैं, पीरियड से भी हो रहे हैं, हम लोग भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा जो उन दिनों में पेन होता है, या हमें जो प्रॉब्लम रहती है, या हमें रैशेस की प्रॉब्लम रहती, कुछ भी आपको नहीं रहेगी, ये हमें एनर्जेटिक स्ट्रिप है, ये हमें एनर्जी देती रहती है और हमारी बॉडी में पावर अंदर जाती रहती है। तो ये जैसे ही ब्लड के कॉन्टेक्ट में आती है हमें एनर्जी बढ़ाती रहती है। ये देखिए पूरा डॉक्टरी पैड के अंदर रैप है, मैंने इसको ओपन किया, अब इसको ओपन करके देखते हैं इसमें है क्या क्या। अब हम इसकी थर्ड लेयर खोल रहे हैं, थर्ड लेयर में आता है इसका, फ्रेंड्स इसमें हमने वाटर डाल चुके हैं तो इसके 2 layers आपस में चिपक गई हैं। मैं आपको दोनों लेयर लेकिन खोल के दिखाने की कोशिश करूंगी। एंड इसमें छोटे छोटे पोर्स हैं, एयर क्रॉस होने के लिए पोर्स हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे पोर्स हैं एयर क्रॉस होने के लिए। एंड फ्रेंड्स इसमें देखिए, ये मैं आपको दोनों लेयर कोशिश कर रही हूँ दिखाने की, 2 layers जो इसमें चिपक गई हैं, थर्ड और फोर्थ लेयर शो हो रही है। देखिए दोनों लेयर मैंने आपको उतार के दिखाई है, ये रही, तो 2 layers हैं, थर्ड और फोर्थ लेयर एंड प्योर टिश्यू टोटली ड्राई। अब आते हैं फिफ्थ लेयर पे, इसमें आता है जेल, इसको मैं फ्रेंड्स अपने हैंड्स पे आपको देखो ये रब करके दिखा रही हूँ। इससे मैनिक्योर, पेडिक्योर, ब्लीच और फेशियल बड़े बड़े पार्लर्स में किया जाता है, इसको आप लोग संभाल के भी रख सकते हैं, इवन डेमोन्स्ट्रेशन के बाद इसको फेंके ना, इसको आप यूज भी कर सकते हैं। तो ये बनाना ट्री के छाल से बना हुआ जेल है, बहुत ठंडा होता है, कूलिंग जेल होता है। एंड इसको भी मैं एक ग्लास में डाल रही हूँ
और ये इतना ठंडा लगता है जैसे ये ब्लड के कांटेक्ट में आएगा, आपको ठंडक देगा, हमारी हीट को बाहर निकालता है। तो फ्रेंड्स इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि जो उन दिनों में हमें पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है या हमारे हेडेक रहता है, हमें चक्कर आते हैं, वॉमिट फील होती है, हम खाना नहीं खा पाते, सारी चीजें आपकी इस जेल से दूर हो रही है। तो इसमें भी हम थोड़ा सा पानी डाल के इसी तरह से रख रहे हैं जैसे हमने उसमें रखा है, आपके सामने हम आपको सारा कुछ दिखाएंगे। देखिए मैंने इसमें और ज्यादा वाटर डाला है, इसमें मैंने थोड़ा ज्यादा वाटर डाला है अभी भी देखिए। तो अब आते हैं सिक्स लेयर पे। सिक्स लेयर फ्रेंड्स आपको दिख रही होगी, इसमें चिपक गई है ये रही छोटी वाली सिक्स लेयर, एंड सेवन्थ लेयर ये बड़ी वाली। फ्रेंड्स प्योर टिश्यू, बिल्कुल प्योर टिश्यू। एंड एट्थ लेयर क्या है, लास्ट लेयर, उसमें क्या थी प्लास्टिक, आपके सामने मैंने उसको रब करके दिखाया था। ये क्या है, रिलीज पेपर। ये एक रिलीज पेपर है, ये पेपर और सिल्क से मिलके बनी हुई आपकी लास्ट लेयर है, नॉट अ प्लास्टिक। तो ये आपका विद इन हाफ आवर में ये डिजोल्व हो जाता है। आप इसको पानी में डालो, मिट्टी में डालो, जिस तरह से आप रैप करके डालते हैं इसको, लेकिन फ्लश नहीं करना, सिस्टर नहीं करना। बहुत से लोग इसको फ्लश कर देते हैं, फ्लश नहीं कीजिए। और इसको जहां भी आप डालते हैं ये डिजोल्व हो जाएगा ऑटोमेटिकली, एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है। एंड देखिए दोस्तों इसमें पानी आपको शो हो रहा होगा, पानी पड़ा हुआ है, अभी हम आपको इसको उलट के भी दिखाएंगे। और इसको देखिए पूरा लॉक हो गया है, तो कहीं भी लीकेज का सवाल ही नहीं उठता किसी भी तरह से। इसमें मैं और वाटर आपको डाल के दिखा रही हूँ, इतना ज्यादा वाटर। अब बहुत से लोग सोचते हैं ना कि हमें तो बहुत हैवी फ्लो होता है, बट वो होता नहीं है, क्योंकि क्या होता है हमारे जितने भी नैपकिन्स इंडिया मार्केट में अवेलेबल हैं वो सारे प्लास्टिक हैं। वो क्या होता है हमारे ब्लड को फैला देते हैं, ना कि एब्जॉर्ब करते हैं। तो आप देखिए मैंने आपके सामने और ज्यादा वाटर डाला है आपको दिखाने के लिए, कितना भी हैवी फ्लो, इवन आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद देखिए कितना हैवी फ्लो रहता है। और मैं कहती हूँ एक एक महीने तक रहता है, उस तरह की लेडीज जिनमें यूज कर रही है। मतलब हम ये सोचते हैं कि हमारे टाइम में ये क्यों नहीं थी चीज, जब हम ये 50 मतलब दिन में 10-10, 20-20 नैपकिन हम चेंज कर डालते थे तब भी हमें रिलैक्स नहीं मिलता था। तो इसमें फ्रेंड्स देखिए एक ये मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी वेजीना टेस्टा स्ट्रिप, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आती है। अब इसका यूज क्या है, इसका यूज है कि आपको ये मार्केट में पहली बात तो 80 रुपीज की मिलेगी, ठीक। अब मैं कहती हूँ नैपकिन जितने का है उतने की तो आपको ये मिल गई फ्री ऑफ कॉस्ट, तो कंपनी तो आपको एक तरह से नैपकिन फ्री दे रही है, मैं कहती हूँ। तो आप देखिए इसका यूज क्या है, आप घर बैठे अपना वेजिना में टेस्ट कर सकते हैं, आपकी बॉडी में जो भी है इस पर लगाना है। अगर आपका कोई भी कलर चेंज होता है इसमें से तो यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपका कलर चेंज आता है तो फ्रेंड्स आपको घबराना नहीं है, किसी गाइनो पे नहीं जाना। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ये नैपकिन 2 से 3 महीने यूज कीजिए, 2 से 3 महीने बाद फिर अपना इन्फेक्शन चेक कीजिए। जो आपका कलर आया था वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, कम आता चला जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि आपको किसी गाइनो पे जाके 500 या 1000 रुपए नहीं देने, पहले तो आप वहाँ पर्चा बनवाएंगे और आप अपने टेस्ट करवाएंगे, उससे बेटर है इसी के अंदर ये वेजिना टेस्टर स्ट्रिप निकलती है, उससे आपको अपना इन्फेक्शन चेक कर सकते हैं घर बैठे। एंड सबसे अच्छी चीज क्या है कि आपको अगर लिकोरिया है, वाइट डिस्चार्ज, जो हमने आपको 3 तरह के डिस्चार्ज बताए थे, बहुत से बच्चों को भी हमने देखा उनकी पैंटी बिल्कुल खराब हो चुकी होती है। पैंटी मतलब मैं उनकी मदर को समझाती हूँ कि पैंटी आप अपने बच्चे की जरूर नोटिस करें कि जब उनकी पैंटी वॉश करते हैं, ये मैं बहुत क्लियर वे में समझाती हूँ, क्योंकि बच्चों की पैंटी जब 8-10 साल की एज से खराब होती है, स्टार्ट हो जाती है, तो इसका मतलब उन्हें डिस्चार्ज प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है, चाहे वो ब्राउन डिस्चार्ज हो चाहे वो येलो डिस्चार्ज हो। तो आप यकीन नहीं करेंगे हमारे पास इसका सॉल्यूशन है, पैंटी लाइनर। आप ये 4 साल की एज से, 3 साल से 4 साल की एज से बच्चों को आप यूज करा सकते हैं। आप अगर किसी पब्लिक टॉयलेट को यूज कर रहे हैं तो जरूर यूज करें। इसमें 30 नैपकिन होते हैं, 30 नैपकिन का एक पूर्व 1 मंथ का पैक होता है ये। तो अगर किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम है, डिस्चार्ज प्रॉब्लम, आप उसको जरूर यूज कराएं, 3 महीने लगातार यूज करा लें। ये मेरा दावा है, ये 100% रिजल्ट है कि आपका ये इन्फेक्शन बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। एंड अगर आप इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको डेमोंस्ट्रेशन दिखाया, इस नैपकिन पे जब आपको हैवी फ्लो उसमें आप ये वाला यूज करें, एंड स्पॉटिंग टाइम में आप ये वाला यूज करें, उससे भी आपका बहुत अच्छा कॉम्बो बनता है। एंड इसमें फ्रेंड्स 3 साइज आते हैं, एक साइज ये है जिसमें मैंने आपको दिखाया 280 mm, सेकेंड साइज आता है 240 mm, ये डे पैड है, इसमें 10 पीस होते हैं, एंड लास्ट आता है पैंटी लाइनर। एंड फ्रेंड्स मैं सबको एक चीज और समझाती हूँ, बहुत से लोगों की मेंटेलिटी ये होती है कि महंगा है। एक चीज ये मैं जरूर क्लियर करूंगी आप सबको, देखें हमारा अगर नैपकिन ये 160 का प्राइस है,
160 में 8 पीस है, 20 रुपीज ईच पड़ता है। और मैंने अगर आपको ये विस्पर पे दिखा रही हूँ तो ये 80 रुपीज के 7 आते हैं, तो ये 12 रुपीज ईच पड़ता है मिनिमम। मैं कहती हूँ, मैं जब भी किसी को कहती हूँ, बताती हूँ, तो मैं उनके मुंह से खुद पूछती हूँ कि आप कितने नैपकिन डेली यूज करते हैं, तो कहते हैं मैम 4 तो हम मिनिमम करते हैं, 3 डेज में और 1 नाइट में। अगर आप 4 करते हैं, मैं कहती हूँ मिनिमम 3 करते होंगे, मिनिमम 3 करते हैं, तो 36 रुपीज का आपका खर्चा आता है। 36 रुपीज ज्यादा बेटर है या 20 रुपीज? अब ये आपके ऊपर है, आप 20 रुपीज में पूरी जिंदगी सेफ होना चाहते हैं या मर मर के जीना चाहते हैं, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब फ्रेंड्स हमारा लास्ट, बस जो मैं दिखाने जा रही हूँ, देखिए इसमें हमने बिल्कुल 20 ml वाटर डाला था, इसको मैं सारा उलट रही हूँ, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, एक एक जितना मैंने पानी डाला है सारा मैंने निकाल दिया है, और जिसमें मैंने लगभग 150 ml वाटर डाल चुकी हूँ, 150 ml, देखिए पूरा लॉक हो चुका है, कहीं से कहीं तक लीकेज नहीं है। तो ये हमारा नैपकिन की क्वालिटी है, एंड इसी नैपकिन को देख के मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। और मैं आज जो भी हमारे न्यू गेस्ट हैं उनको यही रिकमेंड करना चाहूंगी कि आप लोग फ्रेंड्स देर ना करें और इसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें बिजनेस को, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बहुत किस्मत से मिलती है। जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन करें दोस्तों और लोगों तक पहुंचाएं। मैंने इसको एक सोशल वर्क के थ्रू करना शुरू किया था, बट आज मुझे इसमें इनकम बहुत अच्छी आ रही है, तो मुझे मजा भी आ रहा है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, एंड थैंक्स शेखर सर, थैंक यू सो मच चारू जी, और बहुत वंडरफुल डेमो रहा। और आप सब देख सकते हैं कि एक छोटा प्रोडक्ट जिसने कईयों लोगों की लाइफ को चेंज किया है, और इतना बेहतरीन प्रोडक्ट जो आज की डेट में हर घर पे हर फीमेल को चाहिए, आप समझना, और इससे बेस्ट कहीं नहीं है मार्केट में, बेस्ट। तो ये उस क्वालिटी का, और बात करते हैं प्राइस वाइज, तो प्राइस भी मैम ने बताया कि कितना सस्ता है, आप सुनना, मार्केट से भी तो हम लेते हैं। तो ये उस क्वालिटी का प्रोडक्ट है। फिर हम आ जाते हैं